भाषण देना कि मेरा काम नहीं, मेरा गाना गाना काम है, तो इसीलिए भाषण से बहुत डर लगता है। मारा भाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, उपस्थित मंत्रिमंडल, शिंदे साहब, फडणवीस साहब, अजय दादा और सर्व, मैं आपको बहुत आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हा आपला सर्व मराठी भाषिकांसाठी एक अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे। मराठी ही भाषा केवळ संवादाने साधून नसून ती आपली संस्कृती, परंपरा आणि इतिहासाचे जतन करणारी एक अनमोल संपत्ती आहे। अनेक शतकांचा समृद्ध वारसा असलेल्या या भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे म्हणजे तिच्या महानतेची आणि महत्त्वाची अधिकृत मान्यता आहे। या भाषेला घडविणा ज्यांनी योगदान दिलं त्या सर्व महान साहित्यिक, कवी, लेखक, विद्वान त्यांना आज आपण सन्मान देतो आहोत। त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे आज मराठी भाषेने अभिजातेचा हा गौरव मिळवला आहे। आता आपल्यावर जबाबदारी आहे की या भाषेचा सन्मान राखत तिचा प्रसार आणि विकास करण्याचे कार्य आपण सातत्याने करावे। भाषेची समृद्धता आणि सुंदरता पुढील पिढ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य आपले कर्तव्य आहे। आपल्या सर्वांना ऐतिहासिक क्षणाबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद करते। या विषयातून दुसऱ्या विषयात जाऊ का? चालेल काय सचिन? लाडक्या बहिणींची 1500 रुपये, मैं हिंदी में बात करूं चलेगा? मराठी तो आती है मुझे, मराठीच। पंतप्रधान जी को मुश्किल होती हो, मुश्किल होती है ना। लाडक्या बहिणींना जे 1500 रुपये तुम्ही दिलेले आहेत, त्यांची व्यथा आणि त्यांची खुशी ही माझ्याशिवाय आणि कोणाला कळणार नाही। हे जर काम 47 साली कुणी केलं असतं, 1500 रुपये मिळाले असते, तर मी 2 वेळेला जेवले असते। सकाळचं जेवण संध्याकाळसाठी जपून ठेवलं नसतं। मैंने खाना संभाल के रखना सीखा था, क्योंकि मैं दोपहर को खाना नहीं खा सकती थी। जब हस्बैंड आते थे, दोनों मिलके हम खाते थे, उतना ही खाना मेरे पास होता था। इसीलिए मुझे लगता है कि ये 1500 रुपये, 15 आजकल के जबान में CR जैसे लाखों रुपए जैसे बातें होती हैं, 1500 रुपये जिन लड़कियों के पास, औरतों के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को उसका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं इस हालत से गुजरी हूँ। मैं संगीत में हूँ, लेकिन मैं गृहिणी हूँ। मैं घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, आप चाहे तो कपड़े धुला जिए, बर्तन बनवा ली, सब मैं काम करती हूँ औरतों का जो होता है। 3 बच्चों को बड़ा करना, सारा परिवार संभालना, भोसले परिवार सब संभाला मैंने। इस संसार में काम करते करते, घर देखते देखते, बच्चे देखते देखते, मैं कभी 92 ईयर्स की हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। 92 साल की आज मैं हूँ। मैंने यही सीखा था कि सूखी सूटी खा लेना, नमक नहीं है तो नमक के बगैर खाना, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। ये मेरा मंत्र था, गुरु मंत्र था, और मैंने वैसे ही किया। मैं इतना बड़ा भारत,
इतना बड़ा भारत है, इतनी इतनी भाषाएं हैं, हर 300 माइल जाओ तो भाषा बदलती है, कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है, वो सब हमारी हैं, हमारे संस्कृति के हैं, हमारे लोग हैं वो सब। इसलिए मैं किसी भाषा से वो नहीं हूं कि मराठी जन्म जन जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीय से, ये मैं मंत्र मैंने हमेशा पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की भाषा को, हर मातृभाषा को सबको मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। आज मुझे मेरे मराठी को मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घर संभालते संभालते मुझे संभला नहीं गया, मैं राजकारण नहीं समझी, कुछ नहीं समझी, लेकिन मैं पंत प्रधान जी से पूछना चाहती हूँ, वाला इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा भारत आप कैसे संभालते हो, आप कैसे संभालते हो? हम तो नहीं, यहाँ अपना घर भी नहीं संभाल पाते, लेकिन आप, आपने हमारी बहनों को राशन, गैस, लाइट, पानी, घर सब, मतलब बिना मूल्य के करके दिए हैं। कितनी खुशी की बात है, हर एक के घर में आज खाना बन रहा है, दिया जल रहा है, ये सब आपने किया है। और मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, 92 साल की हूँ, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आप ऐसे ही करते रहें और हमारा जो हिंदुस्तान है वो इसी तरह आपके हाथ में रहे और चलता रहे, और हमारे जो ये बैठे हुए सब मान्यवर जो हैं वो ऐसे ही काम करते रहें, शिंदे साहब सब आप लोग काम करते रहें। मेरे को भाषण देने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आज इतना ही कहूंगी कि मांगे उभा मंगेश, बूढ़े उभा मंगेश, मांगे उभा मंगेश, बूढ़े उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भारत।